हाय सुपर फैंस आई एम स्वप्नल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयल जहां आपको मिलते हैं सुपर हीरो मूवीज और शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयर्स मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स पिछले दो हफ्तों में काफी ज्यादा शफल्स के थ्रू जा रहा है जहां न ही सिर्फ कई सारे प्रोजेक्ट डीले कर दिए गए बट साथ ही में कुछ कैंसिल भी करने पड़े एंड इस साल आने एमसीयू की लास्ट मूवी होगी नवम्बर में आने वाली द मार्वल्स जो मेनली कैप्टन मार्वल का सेकंड पार्ट है लेकिन यहाँ पर हमें कैप्टन मार्वल के साथ मिस मार्वल और कैप्टन मोनिका रेम्ब्यू भी दिखेंगे एंड क्यूँकी द मार्वल्स का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है तो हमें ये ऑलरेडी पता है की ये तीनों एज अ टीम एक साथ मिलकर फाइट करते दिखेंगे और इन्हीं तीनों के इस ग्रुप का नाम है द मार्वल्स तो हमें ये

खाने वाली नहीं आईपैड वाली और उसी टैबलेट में उसे मिलेंगे सभी एक्टिव एवेंजर्स की डिटेल्स जिनमें से एक जिसे वो ट्रैक करके उस तक पहुंचेगी वो होगी केट बिशप यानी कि फ्यूचर हॉकाय जिसे हमने डिजनी प्लस के हॉकाय मिनी सीरीज में देखा था केट बिशप को ट्रैक करके मिस मार्वल उससे कॉन्टेक्ट करेगी एंड वो पता लगाने की कोशिश करेंगे एंडमैन यानी कि स्कॉटलैंड की बेटी की डिटेल्स और इनके कन्वर्जेशन में ये डिस्कस करेंगे की उन्हें टीम अप करने की जरूरत है अब कॉमिक्स में तो कैंग द कॉन्कर के एक यंगर वर्जन नथेनियल रिचर्ड्स ने यंग एवेंजर्स की टीम बनाई थी जिसका आगे चल केट बिशप की हॉकाई भी बनी थी एंड फिर आगे चल के मिस मार्वल का भी इस सीरीज में एक छोटा पार्ट रहा है लेकिन कमाला खान के के ये कहती भी है की उन्हें टीम अप करने की जरूरत है और फिर एक बैटल सीन में हम तीनों को टीम अप करके फाइट करते हुए भी देखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है की लीक सच हो सकता है बट ये हमें पता चलेगा जब द मार्वल्स रिलीज होगी यानी कि 10 नवंबर

अब बात करते हैं डेड पुल थ्री की डेडपुल थ्री से रिलेटेड जब भी कोई न्यूज आती है तो वो काफी एक्साइटिंग लगती है क्योंकि इस मूवी का वेट फैंस लंबे टाइम से कर रहे हैं एंड इस बार जो प्लॉट से रिलेटेड न्यूज आई है वो मूवी के डायरेक्टर जेम्स मैंगोल्ड ने खुद ही शेयर किया है जेम्स ने पास्ट में मार्वल की दो मूवीज दो की वुलवरीन और दो की लोगन डायरेक्ट की थी एंड रिसेंटली वो अपनी लेटेस्ट मूवी इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी के प्रमोशन पे है एंड यहीं पर एक इंटरव्यू में उन्होंने डेडपुल थ्री से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बोली है जो शायद मूवी का प्लॉट लीक कर रहा है उन्होंने कहा की डेडपुल थ्री की स्टोरी मिड रन और फोर्टी एट आवर्स जैसी मूवीज से रिलेटेड दिखेगी जहाँ पर ये टू गाइज ऑन द रन होंगे जिनमें टू गाइज ऑब्वियसली डेडपुल और वरीन है अब मिड रन मूवी की स्टोरी एक बाउंटी हंटर पे बेस्ड है जो एक क्रिमिनल को पकड़ने के पीछे होता है वही फोर्टी एट आवर्स की स्टोरी भी इसी तरह की है जहाँ एक रॉबर अपने पुराने पार्टनर को पकड़ने के लिए एक पुलिस मैन की हेल्प करता है एंड डेडपुल थ्री से रिलेटेड पास्ट लीक से हमें ये पता है की डेडपुल केबल की टाइम ट्रेवलिंग मशीन यूज करेगा जो उसे डेडपुल टू के एंड में मिली थी एंड इसी से वो वुलवरिन को उसकी डेथ से पहले बचा लेगा जिससे क्रिएट हो जाएगी एक ऑल्टरनेट टाइम यानी कि ये लोग लोगन मूवी के एंडिंग को नहीं छेड़ने वाले डेटपुल थ्री एक तरह से एक प्रीक्वल होगा बट एडिशनली यहाँ पर ये भी न्यूज है की इस मल्टीवर्स में भागने की वजह से एक सेपरेट टाइम बनाने की वजह से इनका पीछा करते हुए दिखेगा मोबियस वही मोबियस जिसे हमने लोकी के सीजन वन में देखा था और सीजन टू में भी फिर से देखने वाले हैं एंड एडिशनली जहाँ बाकी सभी मूवीज डिले की जा रही है वही डेटपुल थ्री की रिलीज डेट प्रीपोन कर दी गई है यानी कि नवंबर 2024 की जगह अब ये रिलीज होगी 3 मई 2024 को जोनाथन मेजर्स के केस में एक न्यू डेवलपमेंट हुई है और इस बार मेजर्स खुद अपना केस पलटाने की कोशिश कर रहे हैं तो लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से उन्होंने अपनी फॉर्मर गर्लफ्रेंड जिनकी वजह से मेजर्स पे ये केस हुआ है उन्हीं के अगेंस्ट एक फाइल कर दी है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर अब उनकी इस कम्प्लेट में उन्होंने मैंशन किया है की कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें ड्रंक हालत में मारा एंड इवन उनके चेहरे पे स्क्रेचेज मारे हैं एंड मेजर्स का ये भी कहना है की ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है बल्कि मल्टीपल टाइम्स उनके साथ हो चुका है लेकिन उन्होंने इससे पहले इस चीज को कभी कम्प्लेन या रिपोर्ट नहीं किया है अब जब मार्च में मेजर्स के ऊपर ये केस हुआ था जहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था लेकिन फिर बेल पे छोड़ दिया गया था तब उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उन्हें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ी थी हॉस्पिटल में जिसका मतलब है की वो काफी ज्यादा इंजर्ड हुई थी जिसके बाद से मेजर्स के ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी है अब रिसेंटली रोलिंग स्टोन मैगजीन ने एक रिपोर्ट शेयर की थी जहाँ पर जोनाथन मेजर्स के नोन लोगो ऐसी जो उन्हें कई सालों ऐसी जानते हैं उनके इंटरव्यूज थे जिनमें से कई लोगों ने ये मेंशन किया है कि जोनाथन मेजर्स का बिहेवियर अब्यूजिव और वायलेंट रहा है और वो पहले भी कई पार्टनर्स को फिजिकली अब्यूज

एंडिंग एडी ब्रॉक और वेनम को सडनली ट्रांसपोर्ट करके ले आई थी एमसीयू में जिसका रीजन था डॉक्टर स्ट्रेंज का वो स्पेल जो उसने यूज किया था सभी के दिमाग से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी मिटाने के लिए लेकिन फिर वो स्पेल गड़बड़ा गया और उसी वजह से बहुत सारे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स आ गए एमसीयू यूनिवर्स में इन्हीं में से एक था एडी ब्रॉक और उसके साथ वेनम भी और इसी कंटिन्यूटी को हमें दिखाया गया स्पाइडरमैन नो वे होम में ऑफकोर्स एक छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन के रूप में जहाँ पर मूवी के क्लाइमैक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकेंड स्पेल जहाँ उसने फिर से सभी को

एडी ब्रॉक आ गया था उसके खुद के यूनिवर्स में ऑल लीक्ड फोटो और वीडियो इतनी क्लियर नहीं है लेकिन टॉम हार्डी ने खुद एक से टॉम हॉलैंड का, का स्पाइडरमैन स्पाइडर हमें जब भी दिखेगा तो वो एमसीयू के प्रोजेक्ट में ही होगा बट क्यूँकी वेनम लेट देर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम इन दोनों मूवीज की वजह से एडी ब्रॉक और वेनम को मल्टीवर्सल ट्रेवल मिल चुका है तो ऐसे में वेनम के मल्टीवर्सल

होंगे आर्मर वॉल्स के साथ एंड सीक्रेट इन्वेजन के पहले दोनों एपिसोड में जिस तरह का रोडी हमें देखने मिला है लग तो यही रहा है की वो एक स्क्रल है एंड इसी स्क्रल रोडी की वजह से आर्मर वॉल्स का मेन प्लॉट जहाँ टोनी स्टार की टेक्नोलॉजी ऐसे लोगों के हाथ में पड़ती है वो बिल्ड होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में